क्यों कर रहे? मैं डॉक्टर परमानंदा संस्कृति में सहायक प्रोफेसर किसान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी 21 अक्टूबर तारीख 21/10/2020 ईस्वी की प्रिय छात्राओं साथी तिथि खंड अनिवार्य प्रसंग पत्र संस्कृत वाङ्मय का इतिहास विषय है गद्य काव्य। संस्कृत भाषा का गद्य साहित्य कुछ अपनी विशेषता के लिए हुए हैं। आर्य जाति के साहित्य में गद्य का प्रथम अवतार हमारी देववाणी में हुआ है। एतावता गद्य का विकास प्रारंभ वैदिक काल से ही हुआ है। वैदिक संहिताओं में ही हमें गद्य का प्रथम निदर्शन मिलता है। गद्य से मिश्रित होने के कारण ही कृष्ण रत्व है। प्राचीनतम गद्य का उदाहरण हमें इस वेद की तीसरी संहिता में उपलब्ध होता है। इस संहिता में गद्य भाग पद की अपेक्षा मात्रा में कथमपि न्यून नहीं है। इस वेद का अन्य संहिताओं जैसे काष्टक संहिता मैत्रायणी संहिता आदि में भी गद्य की सत्ता उसी मात्रा में है। कालक्रम में कुछ उत्तर का अर्थ वेद का गद्य है। अर्थ वेद का छठवां भाग गद्यात्मक ही है। समग्र ब्राह्मणों ग्रंथों की रचना गद्य रूप में ही है। यज्ञों के वर्णात्मक होने से इसका प्रयोग उचित ही है। आरण्यकों में भी गद्य की ही प्रचुरता है। उपनिषदों में प्राचीन उपनिषद गद्यात्मक ही है। इस प्रकार वैदिक साहित्य में गद्य का प्रयोग बहुत ही व्यापक उदार तथा उदात्त रूप से हुआ है। लौकिक संस्कृत के ग्रंथों में तदपेक्षा गद्य का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। दर्शन के ग्रंथों में जहाँ किसी सिद्धांत का विवेचन ही मुख्य विषय है गद्य का ही व्यापक प्रयोग मिलता है। परंतु ज्योतिष तथा वैदिक आदि वैज्ञानिक विषयों के ग्रंथों में जहाँ तक इसका प्रयोग औचित्य प्राप्त है चार संहिताओं में प्राचीन गद्य के नमूने मिलते हैं। परंतु अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना छंदोबद्ध ही है। कुछ गद्य संस्कृत गद्य की विशेषताएं भी है। संस्कृत गद्य की पहली विशेषता है लाघव लघुता, जो विचार अन्य भाषा में पूरे लंबे वाक्य में प्रकट किए जा सकते हैं। वे संस्कृत के गद्य के एक ही पद में अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, जिसका कारण समास की सत्ता है। संस्कृत भाषा समास संस्कृत भाषा का प्राण है।
वर्ष में अधिक से अधिक अर्थ को क्रम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करने की योग्यता समास को ही है। ओज गुण के कारण संस्कृत गद्य में विचित्र प्रकार की भावग्राहिता तथा गाढ़बंधता का संचार होता है। समास की बहुलता समास भूयस्व और यही ओज गद्य का प्राण है। ओज समास भूयस्व में तद गद्यस्व जीवितम यह उक्ति अवश्य अलंकारिक दंडी की है। इसका आविर्भाव गद्य साहित्य के सुवर्ण युग यानी स्वर्णिम युग में हुआ था, परंतु संस्कृत गद्य की वह विशेषता बड़े प्राचीन काल से चली आती है। पश्चिमी भारत के प्रसिद्ध साक्ष रुद्रदामन के शिलालेख को पढ़ने पर यही जान पड़ता है कि बाण की शैली से प्रभावित गद्य पढ़ रहे हैं, परंतु यह गद्य पद्य बाण से लगभग 500 वर्ष पहले अंकित किया गया था। विजय स्तंभ के वर्णन में कवि की यह उक्ति सदा दिग्गजों को समर्थित करती रहेगी। कुछ गद्य इस प्रकार है। सब सर्व पृथ्वी विजय जनित जो जय व्याप्त निखिला बनी लताम कीर्तिमित स्त्री दशपति भवन गमना बाप ललित सुख विचरणा माथ छाम इव भोगो बाहुरय मुच्छित स्तंभ। इस शैली का प्रयोग गद्य काव्य के लिखने में किया जाता था। शास्त्रीय ग्रंथों में गद्य का ही साम्राज्य है। विचार विनिमय का तथा शास्त्र के सिद्धांतों के वर्णन का उचित माध्यम गद्य ही है। शास्त्रार्थ के समय तो बोलचाल की शैली का प्रयोग देखते हैं, परंतु युक्तियों तथा तर्कों के प्रदर्शन से प्रौढ़ गद्य का प्रयोग उपलब्ध होता है। दार्शनिकों ने अपने विचारों को सुचारू रूप से अभिव्यक्त करने के लिए विचार मापक नवीन परिभाषिक शब्दों की उद्भावना कर रखी है। दर्शन शास्त्र के दुरूह तथ्यों के अभिव्यक्त करने की भी सुप्त क्षमता उसमें विद्यमान है। लैटिन भाषा का गद्य बड़ा ही प्रौढ़ सुंदर तथा ओजस्वी बतलाया जाता है, परंतु संस्कृत भाषा के गद्य में ये गुण उससे कहीं अधिक मात्रा में विद्यमान है। दर्शन के पेचीदे गुण तथा सूक्ष्म तत्वों का प्रतिपादन संस्कृत भाषा की ही देन है।
कृताः संस्कृत भाषा संस्कृत गद्य देवबाणी का गद्य प्राचीनता तथा प्रौढ़ता उपादेयता तथा भावाभिव्यक्ति की दृष्टि हमारे साहित्य का एक गौरवपूर्ण अंग है, इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं। कुछ विकास भी इस प्रकार है, वैदिक काल में आरंभ कर मध्य काल तक गद्य के विकसित होने का इतिहास बड़ा ही मनोरम है। गद्य के दो प्रकार के रूप मिलते हैं, वैदिक काल का सीधा साधा बोलचाल का गद्य तथा लौकिक संस्कृत का प्रौढ़ समास बाहुल गारबंद वाला गद्य। दोनों प्रकार के गद्यों में अपना विशिष्ट सौंदर्य तथा मोहकता है। वैदिक गद्य में सीधे साधे छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग पाते हैं, जैसे हो भई उ आदि अव्यय काव्यालंकार के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरणों का बहुत बाहुल प्रयोग है, उपमा तथा रूपक का कमनी सन्निवेश वैदिक गद्य को विदग्धों की दृष्टि में क्रियावर्जक बनाए हुए हैं। तथा भ्रात्य आसी दीयमान एव सप्रजाप्रति समैरियत सप्रजाप्रति सुवर्ण मातमन पश्यत तत्प्राजनयत तदेकं भवत तलनाम भवत तन महद भवत तद्येष्टम भवत तद ब्रह्मा भवत तद ततो अभवत सत्य सत्यम अभवत तेन प्रजायत। इस प्रकार अथर्ववेद के पद्मा कांड में प्रथम सूक्त में इस तरह से आया है। ब्राह्मण के ग्रंथों के पद का एक नमूना भी इस प्रकार है, अग्नि वै देवानाम बभो विष्णु परम तरेण सर्वा अन्या देवता आग्निया वैष्णव पुरोरांसम विरपतन दीयमेकादश कपालम सर्वाभ्य एवं एवैनम तदेवाताभ्यो अनंतरायम निरपतंत इतरे ब्राह्मण। कुछ और है, दत्र न्यायत अस्यति नाम शुनोति नान्यत विदानाथ तद भूवा अथ यत्रांत पश्यति अन्य क्षिरोचि अन्य विदानाति तदल्पम लोभई भूमा तद मिथमथ तदल्पम सन्मर्त्यम छांद्योग ब्राह्मण। इस तरह से गद्य प्राचीन काल से ही यानी वैदिक काल से ही आया है। कुछ वैदिक गद्य तथा लौकिक संस्कृत के गद्य को साथ मिलाने का काम पौराणिक गद्य करता है। यह गद्य नितांत अलंकारिक तथा प्रासादिक है।
श्रीमद्भागवत गीता तथा विष्णु पुराण का गद्य, इसका स्पष्ट उदाहरण है। परंतु भागवत का गद्य नितांत प्रौढ़ अलंकृत तथा भावाभिव्यंजक है। यथा यथैव व्योमनि वन्य विरोधपमं तम महं पश्यं तथैवाद्योगतु गतं यत्र भगवता किंचिन् प्रासीदीकृतं विषयमुपलक्ष्या नित्युके भगवता सूर्यैन् निजकण्ठाद्युन्मुच्य यमन्तकं नाम महामणिवर्ण भवतार्य एकांते न्यस्तमं विष्णुपुराण। हो गया, कितने मिनट पहले? 12-15 मिनट कहिए, ठीक है। ये इस शिलालेख में उपलब्ध गद्य भी नितांत प्रौढ़ अलंकारिक तथा हृदयावर्जक है। प्रमाण मानोन्माम स्वरगति वर्ण सरस्वादिभि परम लक्षण्यम यनैव रूपैत कांत मूर्तिनाम स्वयमधिगत महाक्षत्रप नामना नलेन्द्र कन्या स्व स्वयं बड़ी नीक माल्य प्राप्त धामनाम महाक्षत्रपेन युजधामना सेतुम युज दर्शन करम कारितम युज दामन का गिरिनालक शिलालेख। इस प्रकार प्रिय छात्रों, आज संस्कृत वाङ्मय में गद्य का हुआ। गद्य महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं।